बस 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 ओ निकल गई निकल गई। ओ शिट यार, हे राम। ये सीन, ये टमाटर वाला सीन आपने मिस कर। कौन कौन मेरे हाथ का सैंडविच खाना पसंद करता है? हेलो, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखो, मैंने गाइस इतना बड़ा सा टीका लगाया है आज है, इसका मैं रीज़न बता दूँ। आज है एकादशी और एकादशी पे मैं ऐसे ही टीका लगाती हूँ। और मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी का फास्ट रहता है, भाई का कोई फास्ट नहीं है, वो गया है ऑफिस में। उसके लिए मम्मी ने लिए बनाए हैं पराठे, आलू के पराठे बना कर भेजा है वो। और मैं मम्मी फास्ट रखती है और मुझे अब सारा काम करना पड़ेगा, डस्टिंग वगैरह और कपड़े भी वॉश करने पड़ेगा। तो चले चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। जो मन विषयों के ध्यान और चिंतन में, विषयों के संकल्प विकल्प में है। मैं बना रही हूँ चाय, आप लोग भी चाय पी लो गाइस, चाय। और हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है और ये निकलने वाली है। बस 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 बस। और हम दोबारा इसमें उफान लगाने वाले हैं। हम इसको दोबारा से तेज कर देते हैं गैस को। इसके बाद दोबारा ये पकने वाली है अच्छे से। चल 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 चल, जो निकल के निकल के निकल। चाय बन के तैयार हो चुकी है, जैसी हमको मिलती है ढाबे पे ऐसे ही होती है ना। तो आज मैंने गाइस के लिए बनाई है गर्मा गर्म चाय। आपको मेरे व्लॉग में ज्यादातर चाय ही दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैं चाय की जगह और कुछ नहीं पीती, क्योंकि चाय इस टाइम की चाय, शाम की चाय कौन छोड़ना चाहोगा? अपनी कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जो शाम की चाय में मजा है ना, वो किसी टाइम की चाय में मजा नहीं है। तो भाई हम जा रहे हैं अपनी चाय को पकाने के लिए, एक बार फिर पकाई जाए। ये मैंने चाय बना दी है, वो मम्मी आने वाली है और जब मेरे को मारेगी दो चार थप्पड़ तभी मैं यहाँ से निकल उतरूंगी। बाकी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, देखो गाइस यहाँ पे बैठ के मैं ऐसे बैठी हूँ और अपना लगी हुआ और चाय निकल गई। चाय निकलने वाली ऐसे कैसे? ये हमारी एंजल है, एंजल बोल नहीं रही। गाइस को हेलो कर दो। हेलो एंजल, तेरे बिना ही व्लॉग अधूरा है, अधूरा। बोल दे हाय, बोल दे हाय, बोल तो दे। हेलो कर दे सबको, हेलो देखो गाइस, हेलो कर तो, बोल तो दे एक बार, कुछ तो बोल दे। बैरन बैरन कुछ तो मीठे बोल, बोल दे ए बैरन। तो गाइस हमारी तो एंजल कुछ बोलने वाली नहीं है, तो मैं ही बोलूं। देखो कैसे बैठ के चाय बना रही हूँ। जी लो, चाय बन के तैयार हो गई है और अपना बैठे है। तो ये खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं, क्योंकि मुझे यहीं पे खड़ा होना था, इसी के ही उसमें खड़ा रहना था। अगर ये निकल गई ना, एक 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 ड्रॉप भी इसके नीचे गिर गई ना चाय की, तो मेरे को डांट पड़ने वाली थी आज। मम्मी ने बोला था कि अगर तूने आज चाय निकाल दी ना भाई, तो साक्षी तू गई बेटा। मतलब भाई बचने की तो है। तो फिर मैंने यहीं पे बैठ के अपना आराम से चाय बनाई। तो अब ये मेरी चाय बन गई है, अब दोबारा हम इसको उबालते हैं। और अब की बार हमारी चाय तैयार हो चुकी है बनके, तो अब हम इसको ज्यादा नहीं उबालेंगे। ओके गाइस, ये ओके ओके आ गया, आ गया, ओके। बस 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 ओ निकल गई निकल गई। ओ शिट यार, हे राम। बड़ी मुश्किल था बचा कर रख रखा था आज का रिकॉर्ड। गाइस आज लोग का रिकॉर्ड था कि मैं आज फर्स्ट टाइम चाय नहीं निकालने वाली थी, पर आज मैंने बच के माँ के निकाल दिया। भगवान मेरी माँ आज अपने छेते गई, देखिए बिना बच के निकाल दी। आज तो पिटने वाले भाई, नीचे गिर गई गई मैं आज। और देखो एंजल को देखो कैसे खड़ी, ओ क्या हुआ, चाय निकल गई पूरी चाय गई गई। चाय दो, अब क्या पीवेगा तू, क्या पीवेगा? तो गाइस मैं बता दूं आपको, हमारी एंजल चाय नहीं पीती, इसको कोई मतलब नहीं है चाय निकलने से। बाढ़ में क्या हो चाय, इसको बस मीठे से मतलब है, इसको बस अपने बिस्किट से मतलब है, इसको बस अपने स्टिक से मतलब है। ओहो स्टिक बोल दिया, कान खड़े करके स्टिक बोल दी, कान खड़े हो गए कान खड़े। स्टिक मैं बना रही हूँ आज आलू। देखो सारे आलू मैंने छील लिए और थोड़े रह रहे हैं, ये भी छीलने वाली हूँ। फिर बनाएंगे हम फास्ट की सब्जी। जो आज फास्ट है वो है एकादशी का फास्ट है। और जो हो ये तो खराब हो रहा है आलू, इसको तो फेंकना पड़ेगा, नहीं इसको कट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन सभी है। तू क्या लेने आया भाई, हर टाइम बस मेरे पास ही रहेगा हा? बस मेरे पीछे 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 कुछ भी बनाओ, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। वीडियो तेरे बिना अधूरी रहे,
देखो भाई एंजल, भाई एंजल के बिना यह वीडियो है हमारी अधूरी, इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता ऐसा मुझे भी लगता है और मेरी एंजलो को भी लगता है। तो एंजल जल्दी जल्दी मेरे साथ काम करवाओगे, फिर हम अपना कुछ काम करेंगे, खाना बनाएंगे अपना। चलो एंजलू, ये वाले खराब भी है, बिल्कुल खराब आलू दे रखे, देखियो भाई सारे खराब आलू दे रखे हैं। बताओ भाई, जब से इनसे बोला है ना कि भाई अच्छे से आलू चढ़ाओ, तब तो ये अच्छे से करना ही नहीं, बोले कि बहन जी ये, बहन जी वो, बहन जी, और अब तो देखिए बिल्कुल खराब आलू है ये, देखो अब सारा आलू ऐसे ही जाएगा, पता नहीं कैसे आया। ये आलू ठीक है, ये वाला ठीक है आलू, वो तो बिल्कुल ही खराब दे रखा है। क्या आप रेडी हो मेरे साथ सब्जी बनाने के लिए? तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहले सबसे पहले हम अपना करेंगे गैस ऑन, और ये मैं स्टैंड पे लगा दूँ सबसे पहले तो अपने मोबाइल को, क्योंकि हाथ में रख कर ना कभी वो नहीं बनते। सबसे पहले हम करेंगे ऑन गैस को, ओके स्टार्ट। फिर हम अपना रखेंगे प्रेशर कुकर, हम करेंगे हींग क्योंकि गैस वगैरह ना बने। तो गैस ये है हींग, तो अभी लिखा तो नहीं होगा बट मैं आपको दिखा दूँ, आपको दिखाई दे रही होगी कैमरा, ये रही हींग, मैंने थोड़ी हींग डाल दी। ये फास्ट वाले आलू है गाइस, गाइस ये फास्ट वालों के आलू है। ये भाई टमाटर, टमाटर को हम मिक्स करेंगे मिक्सी में, मिर्च और टमाटर दोनों एक साथ। अगर मैं ऐसे ही नाइफ से काट कर भाई इनको फ्राई कर दूंगी तो वो अच्छे नहीं लगते, कहीं ना कहीं कच्चे रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है और मैं भी ऐसे ही करूँगी, हम यहाँ पे मिक्सी का यूज़ करेंगे और उनको मिक्स कर लेंगे, फिर कोई भी जो टमाटर है वो कच्चा नहीं रहने का और जो हमारी सब्जी है वो एकदम बेस्ट बनेगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये रही हमारी मिक्सी में हम अपने टमाटर को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम जीरे का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा धुआं हो गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें सेंधा नमक, सेंधा नमक ज्यादा डालना पड़ता है क्योंकि ये बहुत कम लगता है। अब हम इनको मिक्स करेंगे सब आलू को। मैंने अपनी सब्जी को रेडी होने के लिए रख दिया है, अभी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी और फिर आज सभी खाना, कि आप भी मेरे इस जर्नी का एक हिस्सा हो। और जैसे मैं सारी चीज़ बना रही हूँ तो आप भी ट्राई किया करो अपने घर पे, ये बनाना है, ये बना के दिखाना है। और मैं कल आपको सैंडविच बना के दिखाऊंगी क्योंकि मुझे सैंडविच खाना है और वो सैंडविच बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं, कौन कौन मेरे हाथ का सैंडविच खाना पसंद करता है कमेंट करके बताए। अभी ना ट्रेजडी होगी मेरे साथ अभी अभी, कि मैंने ना जब को मिक्स कर रही थी ना, पेस्ट बना रही थी, तो क्या हुआ ना, मैं तो बात में लगी थी, मैंने वो स्विच ऑन कर दिया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि जब मैं ऑन किया वो ऑलरेडी ऑन था। तो जैसे मैंने उसमें लगाया वो सारे, जैसे ही मैंने उसमें लगाया ना, टमाटर सारे बिखर गए, मिर्च भी, टमाटर भी, तो फिर मैंने उनको इकट्ठा गर्म किया दोबारा, टमाटर और अलग से कट किए, फिर तब जाके कुछ नीचे बिखर गए। एक टमाटर तो जो उसमें से निकल के आया ना, तो एंजल के ऊपर गिर गई है, तो वो अपना बाकी यहाँ पे आ गया। तो ऐसा काम होता रहता है, किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके जरूर बताना। ये सीन, ये टमाटर वाला सीन आपने मिस कर दिया, मैंने उस टाइम अपना कैमरा ऑफ कर रखा था। तो गाइज अब मुझे अपना पूरा किचन साफ करना है, उसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि सारा फैला हुआ पड़ा है। तो विराम यहीं पे देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।